हाय दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कोवे, मैं एक सिम्बोलॉजिस्ट और एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग महाराष्ट्रियन सिग्नेचर या फिर हिंदी सिग्नेचर, उसको क्या क्या पहलू से एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हॉरिजॉन्टल क्रॉसबार, जहाँ पे हम लोग टी या फिर एच या फिर ए, इन सब जगहों पे हम जो ये हॉरिजॉन्टल क्रॉसबार यूज करते हैं, उसका महाराष्ट्रियन सिग्नेचर या फिर हिंदी सिग्नेचर में किस तरह से एनालिसिस हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और हम लोग पहले ये समझ के लेते हैं कि क्रॉसबार का मतलब क्या होता है। अगर आप अपनी बॉडी में झांको तो आपकी बॉडी में क्या दिखता है आपको, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और उस स्पाइनल कॉर्ड को एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके शोल्डर्स। तो अगर शोल्डर्स के बारे में बातचीत करेंगे तो ये पता चलता है कि शोल्डर दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग शोल्डर दर्शाते हैं कि दिस पर्सन इज कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान किसी चीज़ को ढंग से कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान के ऊपर हम किसी भी तरह का जिम्मेदारी डाल सकते हैं। इसका और एक मतलब ये होता है कि ये इंसान जो है वो काफ़ी भरोसेमंद है। अगर इसी तरह का क्रॉसबार आप किसी रिलीजन में पाओ तो द मोस्ट स्प्रेड रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड इज क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी में आपको दिखेगा कि उनका भी सिंबल जो है वो क्रॉसबार है, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जहाँ कहीं भी ये क्रॉसबार आता है वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब हम लोग अगर अपनी स्क्रिप्ट को देखें हिंदी या मराठी, तो ये दोनों स्क्रिप्ट में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। हमारा ट्रेडिशन ये है कि जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग, जैसे अगर मुझको उत्तम लिखना है तो मैं अगर उत्तम लिखूं तो ये ऊपर का लाइन उसको हॉरिजॉन्टल क्रॉसबार करके आ जाएगा। तो हमारे स्क्रिप्ट में वो क्रॉसबार का ट्रेडिशन पहले से है। अब जैसे कि टी में आप देखते हो, टी में जब ये क्रॉसबार आता है, ए में जब ये क्रॉसबार आता है, एच में जब ये क्रॉसबार आता है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है, कौन सी चीज को कितने सही ढंग से और कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, ये क्रॉसबार जो है वो दर्शाता है टी एच और ए में। पर यही क्रॉसबार जब स्क्रिप्ट में आता है, लिखावट में आता है, तो ये क्रॉसबार दर्शाता है कि किस तरह का सपोर्ट इन लोगों को मिलेगा। अब सपोर्ट किससे, अगर ये इस तरह का क्रॉसबार है जो कि वर्टिकल दिशा में आ रहा है, ऊपरी दिशा में आ रहा है, टॉप में आ रहा है, तो ये क्रॉसबार दर्शाता है कि ये सपोर्ट मिलेगा इनको उनकी सिस्टम से, उनकी रिलीजन से, उनकी कंट्री से और उनके उन सब लोगों से जो उनके आसपास है। तो बाळासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दो सिग्नेचर हमको नेट पे मिली इस तरह की। तो ये सिग्नेचर में आपको क्लियरली दिखता है कि हॉरिजॉन्टल जो क्रॉसबार है उसको दिया है बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों ने क्रॉसबार जो रखा है अपने सिग्नेचर में। इसका मतलब ये होता है कि इन लोगों को उनके जो अपने लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलेगा, उनके पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा, उनकी कंट्री से सपोर्ट मिलेगा, उनके रिलीजन से सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब सपोर्ट का जो सिस्टम है वो बाळासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के सिग्नेचर में पाया जाता है। इसके विपरीत अगर आप राज ठाकरे या शरद पवार, इन दोनों के सिग्नेचर को देखो जो कि हमको ऑनलाइन मिली है दोनों सिग्नेचर, तो इन दोनों सिग्नेचर में आपको क्या दिखता है कि इनका हॉरिजॉन्टल क्रॉसबार है ही नहीं, मिसिंग है। तो जैसे ही उन्होंने ये क्रॉसबार हटा दिया, इसका मतलब दे डोंट वांट टू टेक सपोर्ट, इसका मतलब और ये हो जाएगा कि उनको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो आपको शायद ही पता रहेगा कि राज ठाकरे और शरद पवार दोनों व्यक्तियों को, दोनों महान हस्तियों को उनके खुद के जो पक्ष थे उनमें वो सपोर्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो ये एंटायर लाइफ का इनका इस तरह का माइंडसेट हो गया है जहाँ पे उनको जिन लोगों से सपोर्ट चाहिए उन लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस सिस्टम से सपोर्ट चाहिए उन सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई महाराष्ट्रियन मराठी या फिर हिंदी सिग्नेचर करना चाहते हो आप, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला क्रॉसबार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप मराठी या हिंदी की सिग्नेचर को करना चाहते हो। तो ये सिग्नेचर मेक श्योर करेगा कि आपको इनफ सपोर्ट मिलेगा आपके कंट्री से, आपके पेरेंट्स से, आपके रिलीजन से और आपके अपने लोगों से। तो दोस्तों ये जानकारी थी, आपको अगर ये अच्छी लगी तो आप हमको इंकरेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो बेल आइकन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हमेशा नई नई वीडियोज़ आपको इंफॉर्मेशन आते रहेगा नई वीडियोज़ का।
और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हम लोग आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।